गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मनु के बारे में, मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनु की राज्य की उत्पत्ति की। मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के। इसके अंतर्गत मत्स्य न्याय की स्थिति को की स्थिति को समाप्त करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। साथ ही बलशाली व्यक्ति से रक्षा के लिए इसकी निर्बलों की बलशाली व्यक्ति से निर्बलों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो बेसिकली राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से, जिसके अंतर्गत मत्स्य न्याय की स्थिति को खत्म करने के लिए और बलशाली व्यक्तियों से निर्बलों की रक्षा के लिए राज्य अस्तित्व के अंतर्गत आया। अच्छा, अब हम देखेंगे इसकी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमारे सिद्धांत के अंतर्गत जो मेन आधार माना जाता है वो किसका माना जाता है? आठ लोकपालों का, यानी आठ ऐसे ईश्वरीय तत्व जिसके माध्यम से राज्य का उदय माना जाता है, जिसे हम कहते हैं आठ लोकपाल। यानी वे व्यक्ति जो कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिससे कि हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, देन महेश। इन तीनों के माध्यम से ही सृष्टि के निर्माण की बात मानी जाती है। हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ये हमारे तीन मेन देवी देवता है जिसमें कि इस सृष्टि के निर्माण में सहायक माने जाते हैं, इन्हीं के साथ साथ अग्नि, वायु, यम, कुबेर, यानी वे देवता जिनके माध्यम से, जिनके गुणों को, जिनके अंशों को लेकर एक शासक के निर्माण की बात कही गई है, यानी एक राजा के अंतर्गत ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए। वे जो आठ लोकपाल हैं जो इस सृष्टि को चलाते हैं और इसका निर्माण करते हैं, इनके माध्यम से सारी व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेन माने जाते हैं। ये माने जाते हैं हमारी सृष्टि के निर्माता। इनके साथ इन गुणों को लेकर, इन सारे ही देवी देवताओं के गुणों को लेकर जो राज्य का निर्माण किया गया है, इसलिए इसकी जो मनु की राज्य की उत्पत्ति है इन आठ लोकपालों के निर्माणों के माध्यम से मानी जाती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के निर्माता के रूप में, एक शासक के रूप में शासन व्यवस्था को निर्माण करने में मनु की सहायता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में गुण होते हैं, वायु में गुण होते हैं, यम में गुण होते हैं और कुबेर के अंतर्गत गुण पाए जाते हैं, इन सभी के गुणों के अंशों को लेकर एक राजा के निर्माण की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या हुआ? मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आठ लोकपालों के गुणों को लेकर शासन व्यवस्था के निर्माण के आधार पर राज्य की व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, जिसमें इन आठ लोकपालों के गुणों को लेकर एक शासक के निर्माण की बात कही गई है। साथ ही मत्स्य न्याय की स्थिति को खत्म करने के लिए हमारी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का निर्माण माना गया है। अब हम बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत की, क्योंकि यह हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है कि मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, सप्तांग सिद्धांत क्या है और राज्य के कार्य किस प्रकार से राज्य को अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत क्या है? सात अंगों पर बेस्ड व्यवस्था है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन माना जाता है? राजा। दूसरा मंत्री। तीसरा जनता, जिसे हम जनपद कहते हैं। चौथा राष्ट्र या दुर्ग। देन कोश, मित्र और दंड।
यानी सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत ये सात अंक एक प्रमुख माने जाते हैं शासन, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए। मनु ने भी अपनी शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इन सात अंकों के माध्यम से शासन व्यवस्था की स्थापना की बात कही है। तो फ्रेंड्स, ये सातों अंग जिसमें सबसे प्रमुख माना जाता है हमारा राजा, राजा में के गुण, दोष जिससे उसे दूर रहना चाहिए, और कार्य जो उसे करने चाहिए, देन मंत्री, सर्वगुण, संपन्न होना चाहिए, और यही अपेक्षा किससे की गई है, हमारे शासक से, जनता, न्यायप्रिय शासक का साथ देती है। यानी हमारी व्यवस्था के अंतर्गत ये तीनों जो अंग है, राजा, मंत्री और जनता, तीनों ही प्रमुख स्थिति लिए हुए हैं। साथ ही दुर्ग, जिसको कि हम महल, किला आदि नामों से जानते हैं, होना अनिवार्य है। कोष ये माध्यम है हमारी व्यवस्था को चलाए रखने का, यानी धन की व्यवस्था, ये किसके माध्यम से होनी चाहिए, कर के माध्यम से, और कर कितना लेना चाहिए, जितना जनता वहन कर सके। साथ ही शासन व्यवस्था को चलाने के लिए न्यायप्रिय शासक का होना अनिवार्य है। यानी एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होना चाहिए, शासक हमारा न्यायप्रिय हो, दंड की व्यवस्था को सही रूप से चला सके, ऐसा शासक होना अनिवार्य माना गया है। साथ ही मित्र, ज्यादा से ज्यादा हमारी व्यवस्था में एक शासक को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाने चाहिए, और शत्रु की संख्या कम रखनी चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है हमारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, कि राजा अपने दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध को बनाए उसमें ज्यादा से ज्यादा मित्रों की संख्या को रखे और शत्रुओं को कम रखे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सप्तांग सिद्धांत हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो कि शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत सात अंक है जो कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहला शासक, दूसरा मंत्री, तीसरा जनता, कोष, दंड, मित्र एंड दुर्ग की व्यवस्था, जिसके माध्यम से पूरी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक शासक को अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अब यह व्यवस्था हमारी मनु की व्यवस्था में भी होती है, कौटिल्य की व्यवस्था में भी होती है, और शुक्र की व्यवस्था के अंतर्गत भी मानी जाती है। यानी ये तीनों ही विचारक, जो कि हमारे परंपरागत विचारकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तीनों ही अपनी शासन व्यवस्था को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से। देन अब हम बात करते हैं इस सप्तांग सिद्धांत के साथ साथ राज्य के कार्यों की, क्योंकि हमारा जो एक बड़ा क्वेश्चन है वह किस रूप में आता है, मनु के राज्य के कार्य, यानी मनु के राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, मनु के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, उसके कार्य क्या है, सप्तांग सिद्धांत किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमारा किसी भी रूप में आ सकता है, जिसको कि आंसर हमारे को एक सिरे से देना होता है, जिसके अंतर्गत शुरुआत होती है मनु की राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के माध्यम से, देन राज्य के सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से, और कार्यों के माध्यम से। अब हम बात करते हैं मनु के राज्य के कार्यों की। मनु के द्वारा राज्य के कार्य, सबसे पहले राज्य के कार्य, एक राजा का क्या कार्य होता है, प्रजा की रक्षा करना, इसके माध्यम से करें, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से, यानी ये लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करें, अर्थव्यवस्था का संचालन करें, साथ ही सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ करें, जिसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत होने वाली जो भी समस्या उनसे निवारण करें उनका, और लोक कल्याण के कार्यों को संपन्न करके अपनी व्यवस्था को चलाए, साथ ही न्याय की व्यवस्था करें, प्रशासनिक व्यवस्था का, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है,
प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन करें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे शासक को इन सब कार्यों के माध्यम से, जिसमें प्रजा की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें अर्थव्यवस्था का संचालन शासक को सही तरीके से करना चाहिए, समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों को दूर करके ये समाज के लिए ये लाभदायक कार्यों को भर करके सड़कों को बनवा के, ये कुएँ खुदवा के, जो अपनी जो समस्याएँ चली आ रही हैं उसका निर्वहन करके ये राज्यों को अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। और न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ रखनी चाहिए, दंड की व्यवस्था सही रूप से देनी चाहिए। दंड हमेशा सही रूप में देना चाहिए, इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी शासक को ऐसा नहीं है कि वह भेदभाव करे ये अपने और ना जनता के बीच में, उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, सही दंड की व्यवस्था की द्वारा कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक राजा के क्या कार्य माने जाते हैं, वह प्रजा की रक्षा करे, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से करे, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके करे, अर्थव्यवस्था का संचालन करे, न्याय की व्यवस्था करे, प्रशासनिक व्यवस्था करे और दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को अच्छा बनाए, यानी पर राष्ट्र संबंधों का निर्वहन करे। यानी पर राष्ट्र संबंधों का निर्वहन वो किस तरीके से करेगा, दूसरे राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंधों का को बढ़ाकर, प्रेमपूर्वक संबंधों को बनाकर अपने कार्यों को संपन्न करे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ही हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, सप्तांग सिद्धांत किसे कहते हैं, या मनु के राज्य के कार्य किसे कहते हैं, इन छोटे छोटे क्वेश्चंसों के माध्यम से एक बड़ा क्वेश्चन हमारा बनकर निकलता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके की स्टडी हमने आज के वीडियोज़ के अंतर्गत की। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके सिक्के छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।